स्टूडेंट्स, आज हम नियतिवादी विचारधारा की आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नियतिवाद विचारधारा की संकल्पना के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जियोक्रेट्स के विचारों के बारे में पढ़ा। आज हम नियतिवाद की विभिन्न आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नियतिवाद की आलोचना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद में प्रारंभ होने लगी। इससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं, मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगी। यह विचारधारा जो है एक पक्षीय विचारधारा मानी गई, अर्थात इस विचारधारा में सिर्फ भौतिक वातावरण को ही प्रमुख माना गया और मानवीय शक्ति को गौण माना गया। दूसरा, यह विचारधारा मानती है कि समान वातावरण में समान जीवन शैली का विकास होता है, जबकि ऐसा नहीं है। समान वातावरण में भी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का विकास देखा गया है, जैसे टुंड्रा रीजन में विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियों की जीवन शैली में आपको अंतर देखने को मिलेगा। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले विभिन्न प्रदेशों में आपको जीवन शैली में अंतर देखने को मिलता है, तो जो सिद्ध करता है कि समान वातावरण में भी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का विकास होता है। यह विचारधारा मानव वातावरण के जटिल संबंधों में से किसी एक के प्रभाव का निर्धारण करना कठिन है, अर्थात मानव अपने वातावरण को प्रभावित करता है और वह अपने वातावरण से प्रभावित भी होता है, लेकिन हमें ये निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि कहाँ वातावरण का प्रभाव ज़्यादा रहा और कहाँ मनुष्य ने अपने वातावरण को अधिक प्रभावित किया। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चौथी, यह विचारधारा मानवीय स्वेच्छा और मानवीय निर्णयों की उपेक्षा करती है। मनुष्य ने अपनी समय के साथ में तकनीक में, ज्ञान में और बुद्धि में विकास किया है, जिसके कारण उसकी इच्छा और उसके निर्णय महत्वपूर्ण हो गए हैं। अपनी इच्छा और निर्णयों के अनुसार वह वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन भी लाता है, लेकिन यह विचारधारा मानवीय इच्छा को उसके निर्णयों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है। अतः समय के साथ में इस विचारधारा की आलोचना हुई। कुछ नियतिवादी विचारकों ने स्वयं ही बाद में मानवीय इच्छा को, मानवीय स्वेच्छा को स्वीकार कर लिया, जिनमें से प्रमुख थे डिमोलेंस, सैमपुर, किरचॉफ आदि। उनका मानना था कि मनुष्य अपने वातावरण में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार समायोजन करता है, यानी समय के साथ में नीतिवादी विचारकों के विचारों में भी परिवर्तन हुए। अगला, यह विचारधारा मानती है कि शारीरिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि शारीरिक गुणों पर वातावरण के बजाय पैतृकता का प्रभाव अधिक होता है। तो इस विचारधारा का विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई, लेकिन समय के साथ साथ नियतिवाद के बाद एक नई विचारधारा का उदय होने लगा, जिसे हम संभववाद कहते हैं। तो अगले ई लेक्चर में हम संभववाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।